हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 23 सितंबर एंड आज मंडे है गाइस। सो आज स्टॉक्स का अपडेट चालू है, मार्केट अभी फिलहाल चालू ही है। और आज जैसे आपने टाइटल पढ़ा है, मार्केट में मार्केट ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है, बट मेरा पोर्टफोलियो डाउन ही जा रहा है। आगे बात करेंगे उसके ऊपर। बाकी उसके पहले आज म्यूचुअल फंड का तो कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज आज मंडे है, तो कल आएगा इसका अपडेट। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो ये रहा गाइस, आप देख रहे हो भाई, 0.626361 अराउंड के ऊपर नीचे जो ये जो हो रहा है, अप डाउन नीचे नेगेटिव में। आज वन डे भी नेगेटिव में है। टोटल रिटर्न्स तो भाई खतरनाक रिटर्न्स नेगेटिव में है, 13.5352 ऊपर नीचे, ये जो भी आप देख सकते हो ना, इतना भयंकर नीचे गया है ओवरऑल। अभी टोटल रिटर्न्स तो स्टॉक्स में तो काफी लाइक यू नो खून खराबा चालू है। ऐसा नहीं कि गाइस ये नेगेटिव में ही जा रहा है बहुत दिन से, बीच में भी ये सैटरडे को फ्राइडे को पॉजिटिव पे भी क्लोज हुआ था। मैं चाहता हूँ आपको अभी दिखाता हूँ, फ्राइडे को या सैटरडे को मैंने स्क्रीनशॉट निकाल भी दिया था और वीडियो बनाने वाला भी था, बट ड्यू टू वर्क मैं बना नहीं पाया। बट आप फ्राइडे को देखेंगे तो 4.27 पे पॉजिटिव पे क्लोज भी हुआ था, लेकिन अभी आज फिर से नेगेटिव पे गया है। सो इसमें भी देखेंगे गाइस, तो टुडेज रिटर्न इसमें भी नेगेटिव पे ही है, 0.5958 ऊपर नीचे जो ये जो हो रहा है, इसमें भी नेगेटिव में ही रिटर्न है। और ये दूसरा स्टॉक पोर्टफोलियो भी मेरा देखेंगे तो इसमें भी टोटल रिटर्न्स अभी नेगेटिव में 13% के ऊपर ही है ये नेगेटिव में। जुलाई मंथ से दोनों जितना मुझे याद है, इन्वेस्टमेंट एक में री इन्वेस्टमेंट और एक में इन्वेस्टमेंट किया था जितना मुझे याद है भाई, तब से तो नेगेटिव ही चल रहा है। नेगेटिव मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल नेगेटिव है मेरे लिए। अब देखते हैं, जब तक होल्ड करता हूं तब तक मैं आपको ऐसे ही दिखाते रहूंगा इसमें भी। सो गाइस, जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, खास करके जो म्यूचुअल फंड में बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बीच बीच में थॉट आता है कि स्टॉक्स में डालना चाहिए वगैरह, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टॉक्स में मत डालो, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छे से आप प्लानिंग करोगे तो अच्छे से रिटर्न भी आता है। मैं अभी थोड़ा टाइम होल्ड करूंगा, मे बी जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो तब शायद मार्केट हाई लेवल पे होगा, अब शायद करेक्शन पे आ रहा होगा, जो भी होगा। मैं जब तक होल्ड करूंगा मैं अपनी जर्नी आपसे ऐसे शेयर करता रहूंगा। बाकी आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से और अपने लेवल पे रिसर्च करो एंड देन इन्वेस्टमेंट करो। ओके गाइस, सो दैट यू नो, आपको ये सब वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको बाय रिकमेंडेशन तो मैं कोई देता नहीं हूँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने लेवल पे ही रिसर्च करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही करना है गाइस, क्योंकि आपको मैं दोनों दिखा रहा हूँ, स्टॉक भी दिखा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड भी दिखा रहा हूँ। तो आप अपने लेवल पे लाइक यू नो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किसमें कितना क्या है, लाइक यू नो रिस्क एंड जो भी है वोलेटिलिटी अप डाउन, ठीक है। एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ चैनल से आइडिया मिले, सो दैट यू नो आपको एक लर्निंग प्रोसेस है एंड देन आप अपना डिसीजन अपने लेवल पे फाइनल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लो, ठीक है। बाकी देखते हैं, जब तक मैं होल्ड करूंगा दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो तब तक अगर पॉजिटिव देता है मुझे तो ठीक है, नहीं भी देता है तो जो भी रहेगा मैं आपको ऐसे ही अपडेट देते रहूंगा। बट आज तो फिलहाल मेरे लिए जब से 1:15 आज जो बज रहा है मंडे का, अब तक देखेंगे तो मेरे लिए कोई गुड न्यूज लेके नहीं आया है, मेरी पोर्टफोलियो के लिए नेगेटिव में ही है स्टॉक्स में। लेट्स सी अब आगे का कमेंट है, वीडियोस लाया नहीं है, ला गया ब्रदर, आज आ गई वीडियो, आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा। इनका कमेंट है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट एंड गेट इनटू लार्ज कैप सेक्शन आल्सो। देखो ये स्टॉक्स में कोई कर रहा है तो ये वो सब सोच सकता है, बट यार देखो म्यूचुअल फंड में मैंने जो डाला है ना वो मेरा एक अलग वे ऑफ, मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ। अगेन आप सब लोग अपने लेवल पे अपना डिसाइड करो, आप लोग क्या रोटेशन करना है, जो भी करना है, जैसे आपने बोला ब्रदर आप अपने लेवल पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बट म्यूचुअल फंड के लिए मेरी स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि मैं स्मॉल कैप पे ही स्टिक रहूंगा काफी लॉन्ग टर्म तक। अब कब तक रहूंगा वो तो मैं आपको दिखाते रहूंगा। बाकी स्टॉक्स में अभी फिलहाल तो मेरा नेगेटिव ही चल रहा है पोर्टफोलियो, जब पॉजिटिव आएगा तो तब कुछ रोटेशन करना होगा, तो मैं देखूंगा उस हिसाब से। चलो गाइस, तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड गाइस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट दिखाओ भाई, पहले 5,000 सब्सक्राइबर तो करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड गाइस जैसे मैं आप सब लोग को बोलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।